इंटीरियर भी मॉडिफाई, फुल मॉडिफाई, इंटीरियर पूरा चेंज है, मतलब कंपनी का कुछ नहीं बचा, हाँ। सारा मैंने बाहर से कराया। बाकी अंदर से सिस्टम देख लो भाई, ये पियानो करा रखा है भाई, ये भाई पियानो करा रखा है। अब एक बात बता राहुल भाई, मैं तो इसे जी वैगन बोल रहा हूँ, तो आपको भी कुछ लग रही है? नहीं भैया, जी वैगन से कुछ कम नहीं है, इसमें मैंने कलर कराया, ये बेज कलर आता है। अच्छा, मैंने पूरा ब्लैक कराया है। दूसरे का नुकसान बहुत हो गया था, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, मैंने ऐसे कपड़ा मारा निकल गया, हाँ। और उसकी पूरी उसने पीछे से डिग्गी बेंड कर दी भाई। वो बुलेरो नहीं है, वो ट्यूब ही है, वो महिंद्रा वालों ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए ना उस पर बुलेरो नहीं वो कर दिया। हेलो दोस्तों, भाई आज मैं ले गया हूँ आपके लिए, भाई देखो बुलेरो बोलूँ तो थोड़ा सा ना अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये मुझे साइड फेस देखो यार इसका, बिल्कुल ना जी वैगन टाइप गाड़ी लगती है। और अभी हाल ही में मैंने एक बुलेरो की है, जो भाई बिल्कुल जिसे मैंने बोला है भाई टाइटल में भी कि वो इंडियन स्टाइल जी वैगन है, तो ये भी कहीं ना कहीं वही बोलूँगा भाई, ये है इंडियन स्टाइल जी वैगन। और भाई इस गाड़ी का आज प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू करने वाले, और देखो एलॉय व्हील वगैरह देखो कितने बढ़िया डले हुए हैं, मतलब एलॉय व्हील ना, मतलब एलॉय व्हील डलते ही ना गाड़ी में जान आ जाती है। और इस गाड़ी में ना अगर एलॉय व्हील ना हो तो भाई नॉर्मल सी लगती है, लेकिन एलॉय व्हील डलने के बाद तो बिल्कुल ही भाई जी वैगन स्टाइल की आ जाती है। बाकी इसके ओनर हमारे साथ हैं भाई राहुल भाई, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं भाई कब खरीदी है, कितने में पड़ी है, कौन सा वेरिएंट है और क्या माइलेज वगैरह देती है, इन सब की बात करने वाले हैं। और उसी के साथ भाई बुलेरो न्यू जो आई है ना उसकी भी बात करेंगे। चलो भाई उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आ जाओ राहुल भाई, क्या हाल है? आ जाओ भाई, राहुल नागर जी गाड़ी के पास आ जाओ अपनी। तो राहुल भाई सबसे पहले आप बता रहे थे आपका चैनल भी है कोई? हाँ भाई, मेरा चैनल है, मैंने अभी स्टार्ट करा है राहुल नागर के नाम से। अच्छा, के नाम से। तो उसमें क्या करते हो? ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे अभी अभी, तो थोड़ा सा नॉर्मल ब्लॉग बनाना स्टार्ट करें, तो अच्छा। धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे उसको, ट्रैवलिंग करने की फ्यूचर की प्लानिंग है हमारी। ओके, तो सोचा ट्रैवलिंग। तो बुलेरो कुछ इसी वजह से तैयार हो रही है? नहीं भाई, बुलेरो तो अपनी पसंद थी पहले से ही, हाँ, फर्स्ट चॉइस थी। ट्रैवलिंग तो अभी 2-3 महीने से सोचा करने की, ट्रिप ब्लॉग बनाने की। अच्छा, बुलेरो ये मेरे 2 साल हो गए भैया इसको लिए हुए। अच्छा, और मॉडिफाई मैंने 2 महीने बाद ही करा दी थी, पहले मैंने इसमें अलॉय का काम करवाया, इंटीरियर मैंने 1 साल बाद करवाया इसमें। अच्छा, तो मतलब इंटीरियर भी मॉडिफाइड है? इंटीरियर भी मॉडिफाई, फुल मॉडिफाई, इंटीरियर पूरा चेंज है, मतलब कंपनी का कुछ नहीं बचा, हाँ। सारा मैंने बाहर से कराया। तो चलो अंदर तो बाद में चलेंगे, हाँ, पहले। और वेरिएंट कौन सा है भाई? ये भाई ये वेरिएंट बुलेरो B6 इंजन है, हाँ, जो अभी नया आ रहा है, हाँ। बुलेरो न्यू आई है, उसके अलावा ये भी अभी कंटिन्यू है, हाँ। और ये टॉप मॉडल है, ये टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल है। अच्छा, तो भाई एक बात बताओ, जैसे टॉप मॉडल है तो इसमें मैंने सुना है कि अलॉय व्हील वगैरह कुछ नहीं आते टॉप मॉडल में? नहीं, अलॉय व्हील कुछ नहीं आते, रिम आते हैं। अच्छा, और नॉर्मल टायर आते हैं 16 इंच के, और कुछ नहीं आता। अच्छा, तो ऐसा भी कुछ होता है कि कंपनी से ऑप्शन हो जाता है कि भाई अलॉय व्हील आपको मिल जाएंगे? नहीं भैया, कंपनी से कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, कंपनी से कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज कंपनी में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो इसकी वारंटी भी खत्म हो जाती है, तो हमने अपनी शॉक के हिसाब से करा रखा है। बाकी देखो राहुल भाई का जो चैनल का लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप कर लेना। और बाकी इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, किस नाम से इंस्टाग्राम पे? राहुल सिंह नागर के नाम से, राहुल सिंह नागर के नाम से। बाकी जाके फॉलो कर लेना, और भाई मुझे भी फॉलो कर लिया करो ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। और दूसरी बात, के चैनल पे अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिलती रहे, क्योंकि भाई कंटेंट आता रहता है नया नया बेहतरीन सा। अब एक बात बता राहुल भाई, मैं तो इसे जी वैगन बोल रहा हूँ, तो आपको भी कुछ लग रही है? नहीं भैया, जी वैगन से कुछ कम नहीं है। और फील लेने वाली बात है, आदमी बुलेरो में भी जी वैगन की फील ले सकता है, और जी वैगन में तो आपको पता ही है, जी वैगन ही है, हाँ। बट इसमें हम जी वैगन की फील मेरे को पूरी आती है, पूरी आती ऐसा है। कुछ नहीं है मेरे को जी वैगन, मेरी जी वैगन यही है, यही है, यही है। बाकी भाई जी वैगन जो है ना उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन फीलिंग जैसे बता रहे ना भैया आप, जैसे यार ये क्लैडिंग वगैरह देख रहे हो, पट्टी वगैरह लगी हुई है, ऐसी आती है ना जी वैगन में भी कुछ? हाँ, जी वैगन में भी यही आती है, सेम खिड़की की यही साउंड, यही साउंड होती है, बस लोगो अलग हो जाता है, लोगो अलग है, कंपनी अलग है। बाकी एलॉय व्हील पे आ जाते हैं, कितना साइज है भैया इसका? भाई 18 इंची है। एक्चुअली मेरा 20 डलाने का मन था, 20 मैंने इसलिए नहीं डलवाया, 20 डलवाने से ना ये गाड़ियाँ हिट होती है। अच्छा, फेंडर पे? हाँ, फेंडर टूट जाते हैं, तो 18 डलवाने के बाद मेरे को टायर की प्रोफाइल मेरे को अच्छी खासी मिल गई, जिसकी वजह से धसकियों में गाड़ी कम बाउंसिंग होती है, धचकी कम फील होती है। 18 में इसलिए, और 18 में मेरे को मैंने चौड़ाई ज्यादा लिया टायर की, छोड़ा ज्यादा लिया। तो एक बार ना टायर प्रोफाइल बता दो, जैसे 255 और ये 18, ठीक है, 18 इंच का। बाकी स्टेलियन के वो अलॉय व्हील हैं। और एक भैया मैं आपको एक चीज बता दूं, इस पर अलॉय चढ़ता नहीं है, अलॉय चढ़वाने के लिए ना हमें अंदर से सप्रेसर डलवाना पड़ता है, आप ये देख रहे हो। अच्छा, सप्रेसर अलग से लगवाना पड़ता है, उसके बाद ही अलॉय चढ़ता है। तो सप्रेसर लगवाया इसमें ना? लगवाता है इस पर, अदरवाइज अलॉय चढ़ते हैं जिनमें आपने देखो कटोरी आती है, हाँ हाँ हाँ, वो लगते हैं, इसे हब भी बोलते हैं ना, हब भी बोलते हैं, हब बोलते हैं, वैसे सप्रेसर बोलते हैं इसको, सप्रेसर बोलते हैं वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में। अच्छा, तो इसमें मतलब ये इसका जो सप्रेसर है वो कुछ अलग ही टाइप का, जो कंपनी से आता है ना? कंपनी से आता है, ठीक है। और कितने के बड़े थे भैया? भैया ये अप्रोक्स विद टायर 1:10 के समथिंग मेरे को टायर अलॉय विद पड़े थे। अच्छा, जिसमें मैंने अपने टायर दिए वो कट गया, उसके बाद मैंने जो पेमेंट करी है वो मैंने कैश में पेमेंट करी। अच्छा, मतलब नई आई थी ना तभी आपने बदलवा दी? तभी बदलवा दी थी। उसका ये फायदा होता है आपके जो स्टॉक टायर है उसकी प्राइस अच्छी लग जाती है। प्राइस मिल गया मेरे को सप्रेसर टायर अलॉय अराउंड 1:10 के आसपास, 1:10 के आसपास पड़ा है ना। बाकी अगर इन्हीं की कॉस्ट करें नए की, जैसे अभी तो वो आपके एक्सचेंज में गए हैं?
नहीं और 20,000 रुपए फालतू मान लो। अच्छा 130 के आसपास ना, 130 के आसपास, क्योंकि पुराने टायर की अमाउंट थोड़ी कम मिलती है। हाँ, ये चीज़ हो। बाकी एलॉय व्हील तो देखो भाई अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से ना कॉनकेव वाले हैं अंदर को। ये 5 स्पोक है, 6 स्पोक है, नहीं 5 स्पोक है यार, 5 स्पोक है, है ना, 1 2 3 अरे यार 6 है, ठीक है, काउंटिंग नहीं हो रही। तो 6 स्पोक एलॉय व्हील है, बाकी लुक वही भाई जैसे फेंडर पे देख लो, यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह मिल जाता है। भाई कितनी मजबूत गाड़ी है ये? भाई गाड़ी बड़ी मजबूत है। अच्छा एक बार मेरे से, अब मैं आपको बताऊँ, थोड़ी सी लग भी गई थी। हाँ तो ये ना, ये मेटल का है। हाँ हाँ, अच्छा बम्पर इसका मेटल का है। ओहो, दूसरे का नुकसान बहुत हो गया था, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ऐसे कपड़ा मारा निकल गया। हाँ। और उसकी पूरी उसने पीछे से डिग्गी बैंड कर दी। और हाँ, इसका सीन पिकअप वाला भी होता है ना, पिकअप में भी चलती है। हाँ पिकअप में चलती है, वो दूसरी है, वो बुलेरो पिकअप वो अलग है, अलग ही है उसका, है ना, अलग है वो, अलग है वो, ये चीज अलग है वो अलग है, ठीक है। और बाकी भाई और कौन कौन सी गाड़ियां ऑन करते हो आप? भैया मेरे पास एक ऑडी है, आप देखो, चलो दिखा देते हैं। ये ऑडी है 2016 मॉडल है। ओके, रिजा है। थार अभी मेरी गई हुई है बाहर। अच्छा हाँ, चार गाड़ी मैं अपनी पर्सनल ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई एक तो ओडी है, ब्रेजा, इन सबका भी रिव्यू अभी मिलेगा। सबसे पहले इसी का आएगा, उसके बाद उन सबका रिव्यू आएगा। थार का किस दिन टाइम मिलेगा तब लाएंगे, बाकी अभी उसमें मॉडिफिकेशन कराएंगे भाई, है ना। अभी उसमें मैंने आगे की हेड, सॉरी जाली चेंज करा रखी, ग्रिल हाँ, और लाइट चेंज करा दी, अदरवाइज अभी और कुछ नहीं करा, धीरे धीरे उसको भी कराएंगे। अच्छा तो भाई ये शीशे भी थोड़े से टिंट है ना? हाँ भाई टिंटेड है। अच्छा बिल्कुल ब्लैक जेड नहीं है? बिल्कुल जेड ब्लैक नहीं, आप इनको 80% या 50% बोल सकते हो। अच्छा मतलब साइड से दिखेगा नहीं, सामने से दिख जाता है, साइड से नहीं दिखता। ओके तो भाई कितने की पड़ती है टॉप मॉडल बोलेरो का, क्योंकि ये तो अभी कंटिन्यू है? हाँ, मैंने ये 2020 में ली थी, जब ये 10.5 की मेरे को पड़ी थी। अच्छा अभी ये 11.5 की आ रही है, 1,00,000 रुपए बढ़ चुके हैं इसमें प्राइस। अच्छा ओके, टैक्स कह लो कुछ भी कह लो, 1,00,000 रुपए और महंगे हुए थे, 11.5 लाख रुपए की अभी करंट में आ रही है। ठीक है तो भाई एक बार गाड़ी का लुक दिखा देता हूँ, उसके बाद ना सीधा अंदर ही चलते हैं, क्योंकि अंदर भी भाई ने काम करा रखा है ना। पीछे तो कोई काम नहीं है भैया? पीछे कुछ नहीं है, आपका अलॉय व्हील और टायर स्टेपनी में चढ़ा हुआ है। हाँ। पीछे और कोई काम नहीं है। और ये देख लो, ये लाइटों पे मैंने हल्की सी ना, अच्छा स्मोकी करा रखी है ना, करा ये यही देख के लग रहा था मुझे थोड़ा सा ना, इसका लुक भी थोड़ा सा एनहेंस हो रहा है इससे, स्मोकी टाइप करा रखे जैसे फिल्म विल बोलते हैं। बाकी इसमें एक खर्चा ये भी बढ़ जाता है भाई, वैसे तो 4 ही एलॉय लेते हैं लोग बाग, लेकिन इसमें बाहर पीछे लगा रहता है इसलिए इनको कुछ महंगे पड़े हैं, अदरवाइज वो 60-70 हजार में काम हो जाता। अच्छा तो कराने का 20-21 हजार रुपये मेरा बढ़ गया, 20-21 हजार बढ़ गया है ना। हाँ ये देख लो, बाकी थोड़े बहुत टिंट है भाई, वैसे इलीगल है, रिकमेंड हम करते नहीं है। और पीछे वाइपर भी मिल जाता है? हाँ भाई वाइपर, ये भी सही है यार, टॉप मॉडल है इसमें, वाइपर वॉशर भी मिल जाता है। तो चलो भाई एक बार अंदर ही बैठ लेते, आप उधर से आ जाओ। और देखो भाई गाड़ी का लुक बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये देखो प्रॉपर अपने महिंद्रा के जी वैगन, मतलब इंडियन स्टाइल जी वैगन, ये देख लो लग रही है ना भाई। तो अब एक बार अंदर बैठ लेते हैं, और यहाँ पे फुटस्टेप वगैरह मिल ही जाता है, बाकी बिल्कुल देसी सीन मिलता है यार, देखो कब्जे टाइप आपको यहाँ पे मिलेगा ये सब, ये देखो ऐसा सीन मिलता है। बाकी इंटीरियर भाई ने करा रखा है इसका बिल्कुल ब्लैक, ये देखो यहाँ पे देख लो भाई, ये गत्ता जो है मिलता है ये भी ब्लैक है। बाकी अंदर से सिस्टम देख लो भाई, ये पियानो करा रखा है भाई, ये भाई पियानो ब्लैक है। अच्छा भाई थोड़ा सा फैन ना एक ही पॉइंट पे चलाओ बस, ठीक है। तो भाई ये भाई ने पियानो करा रखा है, तो एक बार अंदर बैठ ही लेते हैं, पीछे तक दिखा देता हूँ यार मैं, ये देखो ऊपर भी भाई रूफ वगैरह ना भाई ने वेलवेट वगैरह करा रखी है। और ये कैप्टन वाली सीटें आती हैं भैया, कराई हैं? ये कराई है अलग से ना, कैप्टन वाली सीट। हाँ, अच्छा रिक्लाइनर डलवाई है, अलग से डलवाई है। यार ये बड़ी प्यारी लग रही है, मतलब बिल्कुल ही लुक। पीछे भी बैठेंगे, पहले अब आगे बैठ लेते हैं। ये देखो भाई ये हम बैठ गए हैं अब बुलेरो में, और वही भाई अपना देसी वाला स्टाइल, ये देखो थर्ड सुन रहे हो गाड़ी का कितना गजब लग रहा है। तो राहुल भाई ये जो आपने स्क्रीन है ये भी लगवाई है इसमें? हाँ भाई ये मैंने स्क्रीन पूरी, ये जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है। हाँ। ये स्क्रीन इसके साथ कनेक्ट आती है। अच्छा, तो ये अच्छा। इसमें आता था वुडन कलर का। हाँ हाँ। तो ये वुडन कलर के साथ आती है, फिर मैंने ये पूरा कनेक्ट है इसके पर, ये पूरा अगर आप चेंज कराओगे। हाँ। तो ये पूरा सिस्टम ही निकल के अच्छा, ये पूरा ही कंसोल जो चेंज होता है ना। हाँ, बाकी ये स्क्रीन देख लो यार, ये मतलब बुलेरो में इतनी बढ़िया चीज, मतलब लुक ना थोड़ा सा जैसे था देसी टाइप, वो थोड़ा अलग कर दिया है ना। रिवर्स कैमरा भी इसके साथ। ओके, तो रिवर्स कैमरा वगैरह भी लगवा दिया है ना। बाकी स्टीयरिंग भी यार इसका आपने रैप वगैरह करवाया है क्या भाई? इसमें मैंने कवर चढ़वाया, ब्लैक तो आता ही है, ब्लैक ही आता है, बस मैंने इस पर कवर चढ़वाया। अच्छा, ये दूसरे कलर का आता है क्या? हाँ, नहीं ब्लैक ही आता है। अच्छा, ये मैंने कवर थोड़ा सा चला के ना, थोड़ा सी अच्छी सी मतलब ग्रिप बनने लगी इस पर, पहले ग्रिप नहीं बनती थी। बाकी स्टीयरिंग लगभग ऐसा ही है जैसे और ट्यूब भी 300 यही है, थार में भी यही स्टीयरिंग है, बस वहाँ पे कलर बटन वगैरह मिल जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। थार में भी यही स्टीयरिंग आ रहा है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो भाई, आपको ऐसा मिल जाता है, यहाँ पे कोई उधर नहीं है कि ड्राइवर आईडी, मतलब यहाँ तक मिलता है आपको बीच में सेंटर कंसोल तक, ठीक है। ऊपर IRVM आपको मैनुअल मिलता है, और मेन चीज है भाई ये भी सब ब्लैक ही कराया आपने? ये भी भाई ब्लैक कराया, ये सारे चेंज है, अलग है। तो ये देख लो, मतलब यार ऐसा है, देखो सुनो, अब ये भाई ने पियानो करा रखा है,
ब्लैक कर रखा है, पूरा इंटीरियर ब्लैक कर दिया है, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लग रही है। मतलब अंदर से बैठ के अब कहीं से मुझे ब्लेरो वाला फील नहीं आ रहा है। बिल्कुल भाई, ब्लेरो वाला फील नहीं आता अंदर बैठ के। एक्चुअली बाहर से आदमी देखता है तो उसे लगता है ब्लेरो है, लेकिन जब वो अंदर बैठता है तो उसे लगता है हां ये ब्लेरो नहीं। मेन रीजन क्या है ना भाई कि पीछे का जैसे दिख रहा है ना ये सिस्टम, ये कैप्टन वाली सीट और यहाँ पे भाई आर्मरेस्ट वगैरह, तो इससे भी लुक ना बिल्कुल ऐसा थार वाला सा सीन आ रहा है पीछे। तो मुझे भाई थार से भी अच्छा सीन है इसके अंदर। अभी अभी जो करंट में थार से भी ज्यादा मजा है, क्योंकि थार में आपको पता है पीछे आगे सीट फोल्ड करके जाना पड़ता है, इसमें फाइव डोर आती है तो आराम से आदमी बैठता है, रिक्लाइन करके बैठता है। अभी आपने देखो अपने अपने हिसाब से आपने सीट पूरी पीछे कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, पीछे जाके बैठोगे तो आपको पूरा फील आएगा, मतलब आगे पूरा। हाँ, तो ये देख लो यार, मैं बिल्कुल फ्री होके बैठा हूँ और अब इसी पोजीशन पे हम पीछे जाके बैठेंगे, मैं इसे हिलाऊंगा नहीं सीट को। बाकी ये हैंडल से ऐसे मिल जाता है ना, बिल्कुल कंपनी फिटेड है। बाकी मैंने कलर कराया, इसमें मैंने कलर कराया, ये बीच कलर आता है। अच्छा, मैंने पूरा ब्लैक कराया। पर एक बात है, जैसे बीच कलर आता है ना उसमें थोड़ा सा एक अंदर से ऐसा होता है, हाँ थोड़ा सा लो क्वालिटी टाइप है ना। हाँ, वो लेकिन ब्लैक कराने के बाद कुछ अलग ही लुक निकल के आ रहा है, आपके क्वालिटी थोड़े निखर के आती है। हाँ, वो बेज कलर थोड़ा सा प्लास्टिक थोड़ी नकली नकली से लगती। हाँ, है। हाँ, हाँ, बट इसके बाद अब इसमें ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई, बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा, नहीं वाकई में देखो मजा तो है, ठीक है। और भाई इसके कंट्रोल जो है ना, ये आर्मरेस्ट लगवाए थे भाई? आर्मरेस्ट मैंने लगवाए। अच्छा, प्रॉपर काम करा रखा है आपने। ये देख लो यहाँ पे आपको ये मिल जाते हैं पावर विंडो कंट्रोल्स, ये मिरर लॉक अनलॉक करने का बटन मिल जाता है, बाकी ये हैंड ब्रेक है और वही अपना देसी स्टाइल में थोड़ा सा मैनुअल मैनुअल में गेट लीवर, फाइव स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है ना। ठीक है भाई, और नीचे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट चार्जर, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। वायरलेस चार्जर नहीं मिलता है, क्यों मिलेगा? हाँ, वायरलेस चार्जर नहीं मिल पाएगा। बाकी एक चीज बताओ यार राहुल भाई, स्कॉर्पियो न्यू, स्कॉर्पियो याद आ रही है मुझे, बुलेरो न्यू आई है तो क्या कहना चाहोगे आप ही बताओ। वो बुलेरो नहीं है, वो ट्यूब ही है, वो महिंद्रा वालों ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए ना उस पर बुलेरो नियो कर दिया। हाँ, वो ट्यूब ही है और ये बुलेरो अभी भी कंटिन्यू आ रही है। हाँ, बुलेरो ये है, वो बुलेरो नियो ट्यूब ही को उन्होंने बना के बेचने का उनका तरीका है मार्केटिंग। हाँ, वो स्किल जैसे मैंने लास्ट वीडियो करी थी, स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन आ रही है, वही वाला सीन है, वही वाला सीन है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो करी थी अभी इसकी बुलेरो की, मैंने उसमें कितनी बार बोला था कि यार वो टीयूवी है, टीयूवी है, टीयूवी है, क्योंकि मेरे मुंह से निकलता सेम बात है भाई की दिल से निकल रही है। वो मार्केट टीयूवी बिक नहीं रही थी तो उन्होंने बुलेरो नहीं है करके वो मार्केट में गाड़ी को, लेकिन अब थोड़ी सी उठ गई है मार्केट, वो उठ गई है, वो उठ गई है। और अगर ऐसा ही सीन होता ना कि भाई बिल्कुल चेंज करनी है, अब जैसे ये भी कंटिन्यू रखे, इसका क्या रीजन है भाई? इसका रीजन ये है क्योंकि इसकी मार्केट में डिमांड, आप सब आप समझते हो, लोकल में तो थोड़ा मैं कम कहता हूँ, लेकिन आप ऑफिसर्स वगैरह इसको ज्यादा पसंद करते हैं गाड़ी। हाँ, एक इसमें कंफर्ट थोड़ा सही है। हाँ, तो ऑफिसर्स के हिसाब से कंटिन्यू रहेगी आने वाले टाइम में भी, और दो चार साल बाद तो मैं कहता नहीं, अभी कंटिन्यू है, अभी कंटिन्यू है, क्योंकि रफ एंड टफ गाड़ी है भाई। और जिन भाइयों को बुलेरो पसंद है गाइस, मैं रिकमेंड करूंगा वो बुलेरो लेके परचेज करके रख लें। हाँ, क्योंकि आने वाले टाइम में पता नहीं गाड़ी डिसकंटिन्यू हो जाए, विंटेज गाड़ी में बहुत अच्छी मतलब पकड़ करेंगी। मैंने रखी हुई है, मैं मेंटेन करता हूं। हाँ, सारा कंपनी सारा रिकॉर्ड करता हूं, कंपनी में एक स्क्रू भी टाइट होता है मैं कंपनी बेस कर टाइट कराता हूं। तो मेरा अपनी पर्सनल चॉइस है, मेरे को लेनी थी मैंने ली, उसके बाद मैंने मॉडिफाई कराई अपने हिसाब से, और आने वाले टाइम में भी मैं इसको धीरे धीरे आगे अपग्रेड कराऊंगा एक्सटीरियर में। हाँ, जैसे सस्पेंशन वगैरह हुआ। पर एक बात है कि बुलेरो की जनता ना अलग ही है, अगर किसी को बुलेरो लेनी है ना। हाँ, तो वो न्यू पे तो जाएगा ही भाई नहीं। मैं जब इसकी लेने गया था ना, मेरा दोस्त गया था कि राहुल भाई मत ले क्या ले रहा, क्या ले रहा है। मैंने कहा नहीं भाई, मेरी चॉइस है, मैं लूंगा। तो उसने मेरे को मना करा, 10-11 लाख रुपए में बहुत क्रेटा भी आ जाती है, बहुत सारी चीज आती है। मैंने भाई बुलेरो लेनी है, अपना चलाएंगे, अपना शौक से चलाते हैं, बस चलाते हैं। 70-80 चलाने वाले मतलब फील अलग है। और अभी मैं बताऊं, मैंने अलॉय डलवा रखे हैं, एयर एक्सा नहीं है, एवरेज डाउन है। 16-17 का एवरेज सिटी में देती है, अलॉय पे भी आराम से देती है। अरे भाई साहब, सिटी में वो भी सिटी में, अगर आप नॉर्मल चलाओगे 70-80 की स्पीड में, 16-15 का एवरेज आपसे कंटिन्यू ले सकते हो। बहुत सही भाई, बहुत सही। अगर इन अलॉय पे भी दे रहे, क्योंकि अलॉय भाई इतने बड़े डले हुए हैं ना, तो उनसे और थोड़ा प्रोफाइल भी प्रोफाइल भी ज्यादा चौड़ी है, तो गाड़ी में बैलेंस आ गया, गाड़ी थोड़ी डाउन होकर चलती है। हाँ, तो चलाने में भी थोड़ा फील आती है। ठीक है, और भाई अगर बंदे का मन कर रहा है कि कोई बंदा सोच रहा है बुलेरो ले, तो कौन से वाले रिकमेंड करोगे आप? भाई मैं बोलूंगा बुलेरो लो, और बुलेरो लेके इसमें थोड़ा सा पैसा लगा के आप इसको मॉडिफाई करो। हाँ, तो आपको लोग भी देखते हैं। मैं रोड पे चलता हूँ, सीधे से आपको मिलता हूँ, मेरी गाड़ी को लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। कोई फॉर्च्यूनर में जा रहा है और मैं उससे साइड में बुलेरो लेके निकलता हूँ, तो आप फॉर्च्यूनर वाला भी एक बार मेरे को देखता है। बिल्कुल सही बात है, मैं बुलेरो में बैठा हूँ, क्लास डाउन है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मेंटेन करने के ऊपर बात है, आप मेंटेन करो गाड़ी को अच्छे से। हाँ, सर्विस वगैरह, बाकी इंटीरियर में थोड़ा पैसा खर्च करो, लोग आपको रिकमेंड करेंगे, ऐसा बिल्कुल सही बात, पसंद भी करेंगे। और बाकी अगर देखो भाई किसी को स्कॉर्पियो न्यू पे जाना है, तो मतलब वही टीयूवी ले लो, टीयूवी ले लो। टीयूवी डिस्कंटिन्यू कर दिया ना? हाँ, टीयूवी डिस्कंटिन्यू होगी उसका, यही है उसका दूसरा वर्जन, उस पर नाम चेंज करके उसका बुलेरो न्यू निकाल दिया। यही बात है, बाकी है तो यार प्रॉपर ही टीयूवी, वो बस उसमें वो क्लैडिंग दे दी है साइड में, क्लैडिंग दे दी है, और टीयूवी के बस बुलेरो नाम चेंज कर दिया, बैजिंग चेंज कर दिया, तो वो मार्केट में बेच रहे हैं उसको। तो एक बार भाई पीछे बैठ के देखते हैं थोड़ा सा, आप आओ पीछे, पीछे वाला भी फील ले लेते हैं क्या सीन है पीछे का। तो ये देख लो भाई, और ये हम बैठ लिए भाई अंदर,
और देखो भाई सीट मैंने छेड़ी नहीं थी और अब मैंने ये ऐसी रखी है। ये देखो भाई लेगरूम स्पेस देख रहे हो, गजब का लेगरूम स्पेस मिल जाता है। और मेन बात है भाई, कसम से बता रहा हूँ मैं, यहाँ से बैठ के ना ये देखो यार, ये क्या भाई ने कर, ये क्या, ये देख लो रिक्लाइन एंगल देख लो, आराम से लेटो। अच्छा पीछे की सीट आपने हटा दी है? पीछे की मैंने जो साइड सीट आती थी, दो सीट आती थी साइड में, वो मैंने निकलवा दी। ओके, और ये मैंने दो ही सीट लगवाई है क्योंकि दो या तीन बंदे ही चलते हैं, आपको सारी बात बताया, फैमिली फुल अलग गाड़ी है तो उसमें चले जाते हैं। बिल्कुल, दो सीट चार बंदे आराम से बैठ सकते हैं मस्त, आराम से लगेज वगैरह बहुत, हेडरूम लगेज भी बहुत बड़ा है। हाँ, पीछे थोड़ा सा मतलब बूट स्पेस भी बन जाता है, बूट स्पेस भी बहुत अच्छा बनता है। और आप इसको अपने हिसाब से कितना ही एडजस्ट कर लो, आपका मन करता है। बिल्कुल सही बात है, लेट गए अभी राहुल भाई। और ये पावर विंडो कंट्रोल साथ ही लगवाए भाई? पीछे ना आगे के चार कंट्रोल वहाँ पे, हाँ पीछे के इसके आते हैं। अच्छा आते हैं पीछे के, यही आते हैं। ओके, बाकी मैंने यही बनाया। बाकी मुझे एक चीज बताओ यार, इंटीरियर में आपने कितना पैसा लगा दिया? भाई इंटीरियर में मोटा मोटा इकट्ठा एक अमाउंट बताओ तो 1.5 लाख के समथिंग मेरा इसमें लग गया इंटीरियर में। हाँ जी। अच्छा, और ये कितने का पड़ा था अगर किसी बंदे को लगवाना हो तो? नहीं है, मुझे इसकी पर्टिकुलर कॉस्ट नहीं पता। हाँ, क्योंकि मैंने उसको सारे काम बताया मेरे को ये कराना है, उसने मेरे को एक फिक्स अमाउंट बताया भाई इतने पैसे मिलूंगा। अच्छा, मैंने ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं आप काम करो, तो 1.5 लाख के समथिंग 1.40 से 1.5 के बीच में ये काम हुआ है, तो उसी में ही सारी चीजें उन्होंने बना के। देखो मैं बता देता हूँ इसमें काम बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया यार, वाकई ये चीज मुझे अच्छी लग रही है ना, मतलब यही चीज ज्यादा अच्छी लग रही है। तो भाई क्या है ना इसमें, देखो रूफ है ठीक है, और पियानो ब्लैक फिनिश है, ये सारा कुछ मतलब भी हुई है अंदर से ना। अच्छा, डैम्पिंग भी कराई है साथ, हुई है मतलब वो अमाउंट डैम्पिंग के साथ 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख तो चलो एक बार बाहर चलते हैं, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं इसके पॉजिटिव नेगेटिव। तो राहुल भाई अगर मैं बात करूं इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव की, जैसे गाड़ियों में पॉजिटिव्स होते हैं तो नेगेटिव्स भी होते ही हैं, तो इसके क्या नेगेटिव्स आपको समझ में आए? इसके दो नेगेटिव मेरे सामने आते हैं। हाँ। एक इसकी ना कटिंग थोड़ी कम है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा रेडियस में घुमानी पड़ती है, पतली रोड पे तो मुझे 2 या 3 बार में घुमानी पड़ती है। अच्छा, एक ही नेगेटिव पॉइंट है। एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये, इसमें बस बोले महिंद्रा वाले से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें आप 2500 cc या 2000 cc सही बात है, क्योंकि इसमें 1500 cc इंजन है तो इसमें पावर कम पड़ती है। हाँ, जैसे लोहा लाट गाड़ी बना रखी है उसके हिसाब से इंजन की थोड़ी पावर कम है, या तो इसी इंजन को ट्यून कर दें। हाँ, बट दो चीज की कमी है, अदरवाइज कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, बाकी तो सब आपके सामने ही। बिल्कुल, गाड़ी चलती बड़ी अच्छी है और आपने करा भी अच्छी रखी है ना, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर। बाकी अगर बात करेंगे इसमें रेटिंग की, तो आउट ऑफ 10 आप इसे कितनी रेटिंग दोगे? 10 to 10 ही दूंगा मैं 10 to 10, कोई नंबर नहीं कटना। सही बात है, जो है वो तो मेरे को पता था इंजन इतना है, तो तब भी मैंने ली, फिर भी ली। ऐसा कुछ नहीं, 10 to 10। लेकिन बात है इसकी थोड़ी फैन बेस की है ना। हाँ। कि भाई इस बुलेरो को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है ना। तो ये भाई अपने साथ राहुल भाई हैं, और सबसे पहले एक और बात बता याद दिला देता हूँ आपको, जाके चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एक तो सब्सक्राइब करो भाई को, क्योंकि आके आपको ना ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे भाई के, थार के साथ भी बुलेरो के साथ भी, और बाकी इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा वो भी फॉलो कर लेना। तो चलो थैंक यू राहुल भाई अपना टाइम देने के लिए। तो ये थे भाई अपने साथ राहुल भाई, जिन्होंने अपनी जी वैगन मतलब इंडियन जी वैगन इंडियन स्टाइल जी वैगन का आज रिव्यू कराया है। और राहुल भाई एक चीज बताओ यार, कितने किलोमीटर चल चुकी है भाई? ये 62,000 चल चुकी है, 62,000 चल गई है ना। तो ये 62,000 भाई ने चलाई है, उस बेस पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है भाई, कैसी गाड़ी है और क्यों इन्होंने मेनली है, क्यों इन्होंने परचेज किया है, क्योंकि भाई बुलेरो न्यू भी आ चुकी है और बहुत बंदे आज भी, और पता राहुल भाई ने एक बहुत बड़ी बात ये कही है कि अगर किसी को भाई बुलेरो चाहिए ना तो लेके रख लो, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको मिले ही ना। तो चलो भाई अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कमेंट में बताओ कि गाड़ी कैसी लग रही है विद ये वाले एलॉय व्हील, देख रहे हो इंग्लिश और हिंदी कैसे हो रही है, विद ये वाले एलॉय व्हील ठीक है। और भाई ओवरऑल खर्चे की मैंने वैसे बात नहीं की है, पर वो ये 1.5 लाख का वो हो गया, 1 लाख का ही मतलब 2.5 लाख के आसपास भाई ने इसमें लगा रखे हैं ठीक है। तो चलो भाई वीडियो करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ, बाय।